हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एसएससी 2024 एग्जाम्स की तैयारी में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। ऑलराइट, सो क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है बराबर जबरदस्त तरीके से? सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सो गुड इवनिंग सभी का, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सो टाइम स्पीड डिस्टेंस का डिस्कशन चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स की और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की। अगर आपको याद हो कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, कल सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई जो रिलेशन होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस में वो क्या होता है। हमने एवरेज स्पीड की चर्चा करी डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, किस तरीके से औसत चाल का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज बिफोर आई स्टार्ट कुछ मैं एक बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप सभी के साथ करना चाहता हूं, ठीक है? और कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट है अगर, तो आप डाउट सेक्शन में वो डाल सकते हैं। कोई भी कहीं भी कल की स्लाइड में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे डाल सकते हो, और बाकी हैंड रेस फीचर भी है, तो अगर लगता है कि जरूरत है उसकी तो वो भी इस्तेमाल करके हम आपसे बात करके भी चीजें सॉल्व करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सवालों को करने में अलग ही मजा आता है। तो तीन केसेस डिस्कस किए थे हमने, टाइम कॉन्स्टेंट, स्पीड कॉन्स्टेंट एंड डिस्टेंस कॉन्स्टेंट। सो चलो मूव करते हैं और जरा मजेदार तरीके से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन जिसमें मजा बहुत आने वाला है आपको। तो आपको कल मैंने एवरेज स्पीड के बारे में बताया था कि जो एवरेज स्पीड होती है एस एवरेज, याद है वो क्या होती है? वो होती है S1T1 प्लस S2T2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और हम लिखे थे यहाँ पर SNTN। अगर मुझे स्पीड दिए हों, टाइम दिए हों, डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हों, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हों, तो यहाँ हम लिखते थे T1 प्लस T2 और इसको लेके हम कहाँ तक जाते थे? टिल TN। एक बार याद है आपको जब मैंने ये लिखा था एक्सप्रेशन, तो किसी बच्चे ने बोला था कि ये वेटेड एवरेज टाइप का है कली, तो मैंने कहा था हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, कहा था ये बात। तो आज मैं उस चीज को थोड़ा और दिखाता हूं कि ये वेटेड एवरेज से एग्जैक्टली किस तरह से रिलेटेड है और कहां इसका फायदा उठा सकते हो। जब हमने वेटेड एवरेज पढ़ा था आपको याद है तो हमने साथ साथ में एलिगेशन भी पढ़ा था, यस ओके। सो वेटेड एवरेज से ही लिंक्ड एक चीज होती है एलिगेशन। तो जब भी अगर मुझे मान लिया औसत निकालना हो, दो ही स्पीड्स हो, दो ही टाइम हो, दो ही स्लॉट्स हो, मान लिया तो दो के केस में एलिगेशन पढ़ा था आपने वेटेड एवरेज के केस में, तो अगर दो ही मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? S1T1 प्लस S2T2 लिखूंगा डिवाइडेड बाई, क्या मैं यहां T1 प्लस T2 लिखूंगा? जी हाँ। अब आप एक बात बताओ कि अगर ये मैंने आपके सामने लिखा है और मैं अब आपके सामने एवरेज वेट वाला फॉर्मूला लिखूं दो लोगों का, जो होता है A1W1 प्लस A2W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, और मैं इसको कंपेयर करना शुरू करूं, तो आपको एलिगेशन में एक रिश्ता समझ में आ जाएगा। जब ये ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि एलिगेशन ऐसे लगता है कि यहाँ A1 लिख लो, यहाँ A2 लिख लो, यहाँ एवरेज दोनों का लिख लो, और इसका अंतर करके मैं जो रेशियो लिखता हूँ वो क्वांटिटी रेशियो, वेट रेशियो होता है, होता है, यस। अब अगर मैं यही बात यहां पर आपसे बोलूं कि ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है और यहां पर मेरा S एवरेज है, इसको मैंने ऐसा लिखा, ठीक, या इसको अगले पेज में लिखते हैं, पहले आप इस बात को बहुत अच्छे समझो कि इसका और इसका रिलेशन क्या है। अगर मेरे पास AWT है, A1W1 plus A2W2 divided by W1 plus W2, तो मैं इसको ऐसे व्यक्त कर सकता हूं एलिगेशन में, A1 यहां लिखो, A2 यहां लिखो, AWT यहां लिखो, और ये रेशियो W1 रेशियो W2 बनता है, यस। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो हुआ क्या है, A1 की जगह S1 है, W1 की जगह T1 है, A2 की जगह S2 है, W2 की जगह T2 है, W1 W2 T1 T2 से रिप्लेस हो गए और A1 A2 S1 S2 से रिप्लेस हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर दो क्वांटिटीज हो और उन दो क्वांटिटीज के स्पीड और टाइम मुझे पता, दो क्वांटिटी का मतलब दो स्लॉट्स हैं, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो मैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए एलिगेशन का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है, या वेटेड एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं S1 S2 और यहां पर मैं लिख सकता हूं आपसे S एवरेज, और यहां पर मैं आपसे क्या लिख सकता हूं, T1 रेशियो T2, ये वैल्यू आपकी बनेगी। तो ये एलिगेशन में एक कन्वर्जन हुआ। ऐसा नहीं कि हम हर सवाल लगाते समय एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे, बट मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चीजें आपने सीखी हैं उससे इंटर रिलेशन डेवलप करना जरूरी होता है। तो अगर आपने S1 T1 प्लस S2 T2 प्लस डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 देखा और आपके दिमाग में घंटी ना बजे कि ये कुछ एवरेज वेट टाइप का है तो मजा नहीं आएगा, फिर आप क्या ही सीख रहे हो। तो आप देखो यहां पर मैं नहीं, यहाँ T2 T1 क्यों आएगा काव्या जी, आप क्या कर रहे हो, कहीं और की नॉलेज मिक्स कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं T2 T1 कहां होता है। T2 T1 कैसे होगा, आंखों के सामने साफ साफ सब कुछ मैंने दिखा दिया आपके सामने कि W1 T1 हो गया, W2 T2 हो गया, T1 T2 T1 कैसे हो जाएगा, कहां से कैसे होगा, बताइए जरा। हाँ जी,
ये क्या हो रहा है, आपका कहीं और का ज्ञान यहाँ इंटरफेयर कर रहा है। मैं समझाता हूँ कहाँ का ज्ञान है, और ये बहुत खतरनाक है। गलत समय पे गलत चीजें याद आ जाना बहुत बड़ा धोखा होता है। आपको जो याद आ रहा है, मैं समझाता हूँ क्या याद आ रहा है। ठीक है, आपको याद क्या आ रहा है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, ध्यान से देखना, लेट्स से मैंने कहा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, मतलब मेरे पास दो स्पीड्स हैं, जैसे मैंने कहा ये डी दूरी है, ये भी आपकी डी दूरी है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। और डी दूरी में मान लिया मैंने कहा पहले स्पीड 40 है, फिर हमारी स्पीड क्या है 60 की है। ओके, पहली डी में 40 की स्पीड है, अगली डी में 60 की स्पीड है, और मैंने बोला कि बताओ एवरेज स्पीड क्या है, फिगर आउट, फाइंड आउट एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एक तो फॉर्मूला है वही 2s1s2 / s1 + s2 से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कल ही बताया था। तो इस केस में बोलेगा 2s1s2 / s1 + s2 से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, और ये वैल्यू आपकी सॉल्व होकर 48 आ जाएगी। अगर हम एलिगेशन के रूट में जाते हैं तो कैसे करेंगे, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो अगर स्पीड रेशियो मेरा 40:60 है, ये स्पीड रेशियो है, यस, टाइम रेशियो क्या होगा, टाइम रेशियो उल्टा हो जाता है, राइट। तो ये जो 40:60 है स्पीड रेशियो, जो कि 2:3 है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो टाइम रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3:2। अब आप अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो कैसे करोगे, आप कहोगे 40 और 60 को मुझे 3:2 में मिला देना है बस, क्योंकि T1 T2 वेट रेशियो की तरह काम करता है। अब आप डेविएशन यूज कर लो या स्ट्रेट एलिगेशन यूज कर लो, स्ट्रेट एलिगेशन मैंने एलिगेशन में पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, नए बच्चे हैं वो आगे पढ़ेंगे जब मैं औसत पढ़ाऊंगा आपको। तो 3:2 बना, अब इसको एलिगेशन से कैसे लगाओगे, औसत अपना 40 मान लो, 40 औसत मानने के बाद इसका डेविएशन क्या हो गया, 40 - 40 शून्य हो गया, 0 * 3 0 हो गया, और जो 60 है 20 ज्यादा है, प्लस 20 का डेविएशन दो लोग हैं, तो 20 * 2 = 40 बना, डिवाइडेड बाई कुल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, डिवाइड कर लो, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 48। मजा आ रहा है ना, यस, दैट्स हाउ आपने एवरेज स्पीड यहां से निकाल ली। ठीक है, तो ये इंटर रिलेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आपको ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इसको कि भूल गया। चलो आगे बढ़ो, कुछ सवाल लगाते हैं फिर वापस आएंगे और कॉन्सेप्ट करेंगे। पहले कल हमने कितने प्रश्न किए थे आप बच्चों को याद है, किसी को 8 सवाल कर लिए थे, तो देखिए नवा प्रश्न आज है जो आपको करना है, 9th क्वेश्चन। कह रहा है एक बाइक है वो कुछ दूरी 8 सही 1/3 घंटे में कवर करती है, अगर हम स्पीड को 18 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दें तो कह रहा है इसको 150 मिनट कम लगेंगे उसी दूरी को कवर करने में, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी नियतांक है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आपको पता है कि स्पीड रेशियो क्या होता है, समय का उल्टा होता है। ठीक है, तो मैं लिखूं कि मेरा जो पहले का स्पीड है S1 और बाद का स्पीड है मान लिया S2, ये क्या होगा, ये T2 / T1 होगा, यानी जो बाद में समय होगा और जो पहले समय होगा उसका रेशियो। तो जो पहले समय है मेरा वो 8 सही 1/3 है, तो 8 * 3 = 24 = 25 / 3 यहाँ लिखे हम, जी हाँ सही, यस लिख दिया। और ये बताओ कि बाद का समय क्या होगा, 150 मिनट कम होगा, तो ये जो 25/3 आपके सामने लिखा है ये आर्स हैं, घंटे हैं, या तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, आप 60 से गुणा कर लो। ठीक, तो ये 3 20 25 * 20 500 हो गया, तो ये 500 मिनट है एक तरह से, 500 में 150 कम कर लो तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 350 बटे 500, 50 से काटेंगे 7 और यहाँ बनेगा 10। ठीक है, S1 / S2 7/10 हो गया। अब आप ये भी कह रहे हो कि हमारी स्पीड 18 से कम हो गई है, तो मामला यह है कि S1 * S2 जब आप 7 * 10 बोल रहे हो, स्पीड 18 से बढ़ गई है, यहाँ आप कह रहे हो स्पीड 3 यूनिट से बढ़ी है, तो 3 यूनिट ही हमारा 18 के बराबर है, 1 यूनिट हमारा किसके बराबर होगा, 6, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस हमें बता दो कितनी है, तो आपकी जो S1 स्पीड है, अगर मैं S1 को मल्टीप्लाई कर दूं 25/3 से तो डिस्टेंस आएगी कि नहीं आएगी, यस, S1 स्पीड से 25/3 घंटे लगते हैं, S1 की वैल्यू है 7 * 6, तो 7 * 6 * 25/3 करना है आपको, सॉल्व कर लीजिए, 3 * 2 = 6 बना, 7 * 2 = 14, और 14 को मुझे 25 से गुणा करना है। ठीक है, कितना आएगा, 350, 14 * 25 350 होता है, 350 किलोमीटर, दिस इज द आंसर। ओके, जो भी चीजें आपने बेसिक पढ़े हैं उसी बेसिक से सारे सवाल हो गए। S1 तो 8 1/3 लेंगे, अनुज जरा पढ़िए 8 1/3 क्या है बेटा, 8 1/3 का यूनिट आर्स है, घंटे है, समय है, वो स्पीड नहीं दिया है। ए बाइक कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 8 1/3 आवर्स, दैट इज टाइम, समय है वो, वक्त स्पीड नहीं होती है, वक्त तो समय होता है। फिर से लिख रहा हूं, मैंने कहा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, रिपीट कर देता हूं मैं, जब दूरी कांस्टेंट होती है तो स्पीड रेशियो का उल्टा क्या होता है, टाइम रेशियो होता है, ये कल पढ़ा चुका हूं मैं। तो टाइम की दोनों वैल्यूज मुझे पता है, पहले मुझे 8 1/3 समय लग रहा है T1, जिसको अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 25/3 * 60 बनेगा, जो कि 500 के बराबर है। फिर कह रहा है कि जो समय लग रहा है वो 150 मिनट कम लग रहा है, तो दूसरा जो टाइम है T2 इससे 150 कम है, 350 है, तो इन दोनों का रेशियो 7:10 आया, ये स्पीड का रेशियो हो गया, स्पीड का रेशियो अगर 7:10 हो गया
तो आप कह रहे हो स्पीड हमारी 3 यूनिट बढ़ गई है। क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, 18 किलोमीटर पर आवर बढ़ी है, तो 3 यूनिट 18 के बराबर हो गई, 1 यूनिट 6 के बराबर हो गई। तो यहां पर स्पीड कितनी हुई आपकी इस वक्त, 7 × 6 = 42। इस स्पीड से 25/3 घंटे में आप पूरी दूरी कवर करते हो, यहां से आंसर आ गया ना 350 किलोमीटर। क्लियर है? ओके हाँ जी, आगे बढ़े, अगला सवाल, किसी को कोई डाउट नहीं है। 500 कहां से आया यार, ये जो समय है भैया घंटे में, इसको मिनट में कन्वर्ट करो। ये काम तो तुमने बचपन में कई बार किया है मुझे पता है, तो आज इतने भोले क्यों बन रहे हो तुम कि तुम 8 1/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर, मतलब इसको अगर मिनट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे हो रहा है। 25/3 घंटे, घंटे में 60 से गुणा कर दिया, 3 × 20 500, क्या तकलीफ है इसमें है? आगे बढ़े, दसवां सवाल करें। दसवां सवाल देखो, कह रहा नीरज जो है चल रहा है एक सर्टेन स्पीड से और इसको एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करनी है, उसकी इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन अगर वो इंक्रीज करे अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तो वो डेस्टिनेशन 18 मिनट पहले पहुंच जाएगा, और अगर वो रिड्यूस करे अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से तो कितना समय लेट पहुंचने वाला है वो ये आपको बताना है। ठीक है, तो गौर से सवाल को देखिएगा, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। नीरज इज मूविंग एट अ सर्टेन स्पीड टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, की इनिशियल स्पीड क्या है 80, तो ये उसकी इनिशियल स्पीड होगी बच्चों, कितना 80 इनिशियल स्पीड है ये, हमने लिख दिया 80। अब देखिएगा अगर उसकी स्पीड 20 से बढ़ जाए तो वो डेस्टिनेशन 18 मिनट पहले पहुंचेगा। 20 बढ़ने का मतलब पता है क्या तुमको, स्पीड 80 से 100 हो जाए, ये मैं कह रहा हूं स्पीड है, तो आप समझ रहे हो स्पीड अगर 80 से 100 हो गई तो 4:5 हो गई। अगर स्पीड 4 से 5 होती है तो समय क्या होता है, 5 से 4 हो जाता है, क्योंकि रिवर्स रेशियो बनता है उल्टा, कल बताया था मैंने आपको। ठीक है, समझ में आ गई, रिवर्स रेशियो 5:4 बनेगा, और अगर ये 5:4 बना तो ये समय जो होता है वो 1 यूनिट कम लगता है, और अगर टाइम 1 यूनिट कम लगेगा तो क्वेश्चन ने बोला है कि 18 मिनट पहले पहुंचता है, 1 यूनिट आपका 18 मिनट के बराबर हो गया। 1 यूनिट अगर 18 मिनट के बराबर हुआ तो ये 5 यूनिट किसके बराबर हुआ, 5 × 18 के बराबर हुआ, और 5 × 18 हमारा क्या होता है 90 मिनट होता है या नहीं होता है, यस। इसका मतलब हमारी जब स्पीड की 80 है तो ये समय जो लगता है वो 90 मिनट, 90 मिनट को आप 1.5 घंटे भी बोल सकते हैं। ठीक, बट अभी रुकिएगा, आगे वो क्या कह रहा है कि वो अपनी स्पीड को रिड्यूस करेगा 20 किलोमीटर पर आवर से। रिड्यूस का मतलब समझ रहे हो, आप अपनी स्पीड को 80 से 60 बना देते हो, क्या करते हो 80 से 60 बना देते हो। ठीक है, तो 80 से अगर 60 बनाते हैं तो ये वैल्यू हमारी होती है 4:3। स्पीड जब 4:3 होती है तो टाइम 3:4 हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। आप कहोगे यहां मुझे 90 मिनट लग रहे हैं, 80 की स्पीड से 90 मिनट लग रहे हैं, 1 यूनिट आपका 30 मिनट के बराबर हो गया, तो ये 4 यूनिट किसके बराबर हुआ, ये 4 यूनिट 4 × 3 = 12 यानी 120 मिनट के बराबर हुआ। ओके, बट ये लिखना नहीं है आपको 120 मिनट, आपको यही बताना है कितना अधिक समय लगेगा, तो आप कहोगे 1 यूनिट अधिक समय लगेगा, और वही 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर है, तो आपका आंसर कितना हो गया 30 मिनट। ओके, 30 मिनट के बराबर हो गया। ये पूरा सवाल आप दिमाग में कई स्टेप्स कर सकते हो जब एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो ये लिखना नहीं पड़ता है 80 से 100, 4, 5, 5, 4, 1 यूनिट, 1 यूनिट 18, 5 यूनिट 90, तो ओरिजिनल 80 की स्पीड में 90 मिनट लग रहे हैं, फिर आप कहोगे 20 कम किया, 4:3, 3:4, 3, 90, 1, 30, तो काफी कुछ आप दिमाग में कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को, आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे कि ये टाइम उल्टा क्यों हो जाता है। बेटा कल की क्लास लग रहा है आपने अटेंड नहीं करी, सूरज भाई कल इसको बताया मैंने बहुत अच्छे से कि टाइम रिवर्स क्यों होता है, वो फंडामेंटल क्लास आपको मिस नहीं करनी है, रोज क्लास आओ, और अगर नहीं आते हो क्लास में रोज तो रिकॉर्डिंग तो कम से कम घर पे देखोगे, वरना क्या होगा, वरना आपको आगे क्लास कैसे समझ में आएगी, ये तो टीएसडी की दूसरी क्लास है, पहली क्लास देखना पड़ेगा आपको ठीक से। तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस के बराबर होता है, जब दूरी सेम होती है बदलती नहीं है तो स्पीड और टाइम रेसिप्रोकल हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, स्पीड रेशियो रिवर्स टाइम रेशियो होता है, इसको विस्तार में कल समझाया था। ठीक है, कल की क्लास देख लेना। एक जगह तो 4 यूनिट की वैल्यू 80 है और वही फिर 3 के बराबर भी है, यूनिट से मतलब नहीं होता है नितिन, समझना मेरी बात को। ठीक है भैया, रेशियो में जैसे आपने कभी जिंदगी में मिक्सचर एलिगेशन का सवाल देखा होगा, तो उसमें अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ 4:5 है, मुझे मान लिया मिल्क और वाटर, ठीक, और बोल दें ये 90 लीटर है, तो ये 90 लीटर में मिल्क कितना हुआ, 40 लीटर हुआ कि नहीं हुआ, यस। ठीक है, फिर मैं कहूँ मैंने पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद ये जो रेशियो है, ये दो रेशियो पानी मिलाया मैंने, और पानी मिलाने के बाद ये जो रेशियो है ये मान लिया 2:5 हो गया। ठीक,
अब पानी मिलाने से मिल्क तो नहीं बदलेगा, अब यहां पर यही 2 यूनिट 40 के बराबर होगी, तो ये तो रेशियो है ना, अब वो कहीं पर 2 होगा कहीं पर 4 होगा, बट ये जो मिल्क है ये तो 40 लीटर ही होगा ना, ऐसा सवाल किया होगा तुमने अगर तुमने मिल्क सॉल्व किया। आप यहां ये कह रहे हो कि यहां यही 5 यूनिट 90 के बराबर है, यहां यही 3 यूनिट 90 के बराबर क्यों है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट 90 है, 90 नहीं बदलेगा, रेशियो में तुम कुछ भी लिखो, समझे कि नहीं मेरी बात को। जैसे यहां पर आप मिल्क को 4 यूनिट बोलोगे जो कि 40 के बराबर है, और यहां पर वही मिल्क 2 ही यूनिट होगा लेकिन तब भी ये 40 के बराबर होगा, क्योंकि तुमने पानी जोड़ा होगा और पानी जोड़ने से नया रेशियो ये बन गया होगा। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं। चलिए अब आते हैं 11वें प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है दो स्टेशन ए और बी के बीच में वो 1360 किलोमीटर है। दो आदमी पी और क्यू स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ए और बी से सुबह 5 बजे एक दूसरे की तरफ। जो क्यू की स्पीड है वो 12.5% अधिक है पी से। एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग आपको बताना है जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस कवर करेंगे उनमें वो कितना डिफरेंस होगा। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो दो पॉइंट है हमारे पास, देखिएगा ये दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, देखिएगा ए और बी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 1360 किलोमीटर। क्या लिखा मैंने यहाँ पर 1360 किलोमीटर। दो आदमी पी और क्यू है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ए और बी से, तो यहां से पी चलेगा और यहां से कौन चलेगा, क्यू चलेगा। सुबह सुबह 5 बजे एक दूसरे की तरफ, 5 बजे आपको कह रहा है कि जो स्पीड है क्यू का वो 12.5% अधिक है पी से, तो मुझे ये भी दिया है कि जो पी की स्पीड है वो क्यू की स्पीड से 12.5% का मतलब 1/8 होता है। ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जिन लोगों ने पढ़ा होगा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा वो जान लीजिए, 100% एक होता है, 12.5% प्लस 1/8 होता है। तो अगर पी की स्पीड क्यू से 12.5% ज्यादा है तो हम बोलेंगे 9:8 का रेशियो है, पी की स्पीड नहीं क्यू की स्पीड ज्यादा है ना, तो पी 8 बोलेंगे और क्यू हम 9 बोलेंगे, ये स्पीड्स का रेशियो हो गया। ठीक है, आपको बताना है जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस समय दोनों के द्वारा चली गई दूरियों का अंतर क्या है। सभी बच्चे मुझे एक बात बताएंगे कि जब ये मिलेंगे तो जब ये चले और जब ये मिले कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है बताओ जरा। ठीक है, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है कि टाइम कांस्टेंट है। दोनों के लिए डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट होगी, स्पीड्स अगर अलग अलग हैं तो डिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं हो सकती है, टाइम कांस्टेंट है। 5 बजे दोनों ने चलना शुरू किया और जब ये मिले होंगे उस समय तक दोनों बराबर समय के लिए चले होंगे, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है बच्चों। समझो आप पी और क्यू की स्पीड्स अलग हैं, अगर दोनों को आपने एक एक घंटा दिया, एक 8 यूनिट चलेगा एक 9 यूनिट चलेगा, डिस्टेंस बराबर कैसे हो सकती है। डिस्टेंस अगर दोनों के लिए चली गई बराबर होती तो आंसर 0 नहीं होता, 0 कहां है, होगा ही नहीं, डिस्टेंस अलग अलग है। टाइम कांस्टेंट है ना, सुबह 5 बजे निकले एक साथ, फिर जब मिले ये दोनों टाइम कांस्टेंट है, समय सबके लिए बराबर है। और जब समय कांस्टेंट होता है तो कल ही मैंने बताया था कि ये चीज दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि जो स्पीड रेशियो होता है वही हमारा डिस्टेंस रेशियो भी होता है, यानी पी और क्यू जो दूरियां चलेंगे वो भी 8:9 ही होगा क्योंकि समय कांस्टेंट है। अब एक बात और बताओ कि जब ये दोनों मिलेंगे, मान लिया यहां कहीं मिल रहे हैं, लेट से यहां मिले, अगर यहां मिले तो ये पी वाला बंदा ए से यहां चल के आया होगा कि नहीं, यस, और क्यू वाला बंदा वहां से यहां चल के आया होगा। एक बात बताओगे, दोनों के द्वारा चली गई दूरियों का सम क्या होगा, 1360 होगा। एक इस पॉइंट को मैं बोल दूं, मान लिया आर, एक आर तक चल के आया और एक बी से आर तक चल के आया, दोनों का टोटल 1360 होगा। रेशियो ये है 9:8 17 यूनिट और ये 17 यूनिट का टोटल 1360 है। एक यूनिट निकालेंगे, एक यूनिट हमारी 80 के बराबर आ गई, और अगर एक यूनिट हमारी 80 के बराबर आई बालक, तो मुझसे बस छोटी सी जानकारी आप सभी से चाहिए कि अगर मुझे निकालना है कि इन दोनों का अंतर क्या है तो अंतर भी तो 1 यूनिट ही है भाई, एक 8 यूनिट चलता है तो एक 9 यूनिट चलता है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 80 आ गई तो इन दोनों के द्वारा चली गई दूरियों का अंतर भी तो 1 यूनिट ही है, इसलिए मेरा आंसर क्या है, 80 किलोमीटर, और आसान हो गया। तो जो कॉन्स्टेंसी है, नियतांक वाला जो तरीका है कि टाइम कॉन्स्टेंट है, अगर आपने ये चीज आइडेंटिफाई करी तो ये सवाल आपके लिए अत्यंत ही सरल है। ठीक है कि नहीं है, यस, मेक सेंस और नॉट, सभी को क्लियर है। हाँ जी, देखिए बच्चा एक सवाल पूछ रहा है, नाम है अर्णव, अर्णव ने एक सवाल पूछा है कि 300 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड से कोई चल रहा है, अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो इसको 2 घंटे कम लगेंगे इस जर्नी में, आपको बताना है ओरिजिनल स्पीड क्या है।
इस प्रकार का क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे, और इसका मैं एक आपको बहुत ही शानदार तरीका भी बताऊंगा, बहुत मजेदार तरीका, कि आपको देख के ही मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हम दो अल्टरनेट तरीके डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल तरीका इक्वेशन बेस्ड है, वो लंबा है, देन इसका एक फॉर्मूला भी बनता है जनरलाइज। इस केस का देखो, अगर हमें पता हो कि 5 किलोमीटर पर आर हमने बढ़ाया और हमें ये पता हो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, ठीक है, अगर ये पता हो कि ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, तब तो ये सवाल प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी से तुरंत बना देते हैं। बट यहाँ ओरिजिनल स्पीड पता नहीं होती है, तो 5 किलोमीटर पर आर जब आपने बढ़ाया, ठीक है, तो कह रहा है 2 घंटे कम लगेंगे। तो एक तरीका तो सिंपल है कि आप कहो कि भाई 300 है और 300/x टाइम लगेगा, फिर आपने 5 किलोमीटर अगर बढ़ा दिया तो ये x+5 हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये अंतर 2 के बराबर है। बट इस केस में बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली आप नहीं चाहते होगे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। कितने लोग का मन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, है तो बताओ, ठीक है, नहीं मन होगा ना, मन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, जी नहीं, हाँ जी। अब दूसरा तरीका बताता हूं मजेदार, प्योर इंटेलिजेंस। भैया इस ये 300 रखना है तुमको, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन है, मैंने आपको एक काम दिया था याद है, कुछ रिचुअल्स दिए थे, ये कई लोग तो भूल जाते हैं। अच्छा रिचुअल क्या होता है, रिचुअल दिया था कि कोई भी नंबर जब दिखे तो उसको फैक्टराइज करना सीखो, वो आज तुम्हारे काम आने वाला है। डिस्टेंस 300 की है, अब ध्यान से देखना, ये डेटा तुमने दिया, मैंने तो, मेरा डेटा नहीं है ना, ये डेटा तुमने दिया है ना। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको 50x8 भी, 50x6 भी लिख सकता हूँ, और इस वैल्यू को मैं ब्रेक करके, ध्यान से देखना, ये तो 50x6 मैंने एक ब्रेक किया, कोई एक ऐसा आप मुझे फैक्टर इसका अगर बता सकते हो कि ये 50 जो वैल्यू लिखी, मान लिया स्पीड है मेरी, लेट्स एज्यूम कि ये मेरी स्पीड है, ठीक है, अगर ये मेरी स्पीड है तो एक टाइम होगा, ये स्पीड इंटू टाइम होगा, तो ऐसे में ब्रेक करूं कुछ कि 2 का अंतर हो, तो देखो वैल्यू आएगी एक 25x12 और एक वैल्यू आएगी 30x10, ये दोनों वैल्यू 300 देती हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरी स्पीड है ओरिजिनल, ये 5 से बड़ी, देखो समय 2 से कम हुआ कि नहीं हुआ, तो जो ओरिजिनल स्पीड है तुम्हारी वो क्या है, 25 है, देखो हो गया सवाल। तो यू जस्ट ये फैक्टर में ब्रेक करने से ही सवाल तुम्हारा हो गया, ठीक है, पता है ये सवाल एग्जामिनर ने सही बनाया होगा, उसने लिखा होगा 300, फिर उसने कहा होगा इसको हम 25x12 भी लिख सकते हैं, फिर उसने कहा होगा इसको हम 30x10 भी तो लिख सकते हैं, फिर उसने कहा होगा कि स्पीड को अगर 5 से बढ़ा दो तो टाइम 2 कम हो गया, लो सवाल बना दो। तो उसने जैसे सवाल बनाया हमने वैसा ही पकड़ लिया। तो अगर आपके फैक्टर की स्किल अच्छी है तो इन सवालों को तो तुम तोड़ डालोगे, ठीक है, समझे कि नहीं। और ये सवाल तुमने मुझे दिया अभी डाउट सेक्शन में, ये मेरा डेटा नहीं है कि मैं याद करके आया हूँ, ठीक है, बट मैं फैक्टर्स में चीजों को बहुत जल्दी तोड़ लेता हूँ। खैर ये टाइप अभी आएगा, जब ये टाइप आएगा तो हम इसके इसको डिस्कशन करेंगे और तरीके भी इसके देखेंगे, बट अभी आपने पूछा तो हमने कहा बता देते हैं तुमको, ठीक है। चलो अब आते हैं और हम अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न देख लो। एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगा सर्टेन स्पीड से, 3/4 टोटल डिस्टेंस जब वो कवर कर लेगा तो पर्सन रिड्यूस्ड हिज स्पीड, ठीक है, 16/3, और वो लेट हो गया 12 मिनट से, आपको बताना है टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दिस डिस्टेंस नाउ। समझो इस सवाल को, मैं थोड़ा समझाता हूँ। एक आदमी एक दूरी जो है, कोई भी दूरी हो, उस दूरी को एक स्पीड, सर्टेन स्पीड से कवर करता है, मान लेते हैं डी डिस्टेंस होगी और वो एस स्पीड से कवर करता होगा। जब वो 3/4 टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगा तो उसकी स्पीड 16/3% से रिड्यूस हो जाएगी। 16/3% का मतलब आप सभी को अगर नहीं पता है, जिन बच्चों को परसेंटेज जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता होगा, ये वैल्यू 1/6 के बराबर होती है। तो स्पीड अगर 1/6 से रिड्यूस होगी तो वो 5/6 गुना हो जाएगी। कोई भी स्पीड अगर 1/6 से रिड्यूस होती है तो वो 5/6 गुना हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो वो कहता है वो 12 मिनट से लेट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो टाइम लगेगा उसको, डिस्टेंस को, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दिस डिस्टेंस नाउ, ये पूरी डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना वक्त लगेगा ये आपको बताना है। अब एक चीज आप समझिएगा सभी लोग, जिस पॉइंट पर, ये पॉइंट है मान लिया, ठीक, यहां पर 3 यूनिट की डिस्टेंस है, यहां पर 1 यूनिट की डिस्टेंस है, वो 3 यूनिट की डिस्टेंस कवर कर चुका है, इस डिस्टेंस को कवर करने में उसकी स्पीड 5/6 गुना हो गई। जब स्पीड 5/6 गुना होती है, इसका क्या मतलब हो गया, स्पीड 6 से 5 हो गई, स्पीड 6 से 5 होती है तो टाइम 5 से 6 हो जाएगा, क्योंकि इसी दूरी की बात हो रही है तो दूरी हमारे लिए कांस्टेंट है, ये दूरी, स्पीड 6 से 5 होगी, टाइम 5 से 6 होगा, आपका समय 1 यूनिट से बढ़ेगा, और ये 1 यूनिट आप कह रहे हो 12 मिनट के बराबर है। तो अगर ये 1 यूनिट 12 मिनट के बराबर है तो ये 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 12×5=60, 60 मिनट के बराबर होगा, ठीक, देखो ध्यान से, तो ये 1 यूनिट, ध्यान से देखना, ये जो 60 मिनट मैंने निकाला है ये फुल स्पीड पे 60 मिनट लगे,
ये जो टाइम 5 मिनट है ये करेस्पॉन्ड करा, जब स्पीड फुल थी 6 वाली थी 60 मिनट लगे, यानी फुल स्पीड पे इसको चलने में मुझे कितना लगता है, 60 मिनट लगता है। सवाल ने जो पूछा है उसको बहुत गौर से समझिएगा, अभी समय कितना लग रहा है? तो अभी आपने कहा 12 मिनट ज्यादा लग रहा है, 6 यूनिट लग रहा है, तो ये 72 मिनट तुमको लग रहा है, और 72 मिनट 1 आवर प्लस 12 मिनट है, 1 आवर प्लस 12 मिनट, 12 मिनट 12/60 घंटे होता है, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो गई 1/1/5 आवर्स, यहां पर ए ऑप्शन। कोई मुझसे पूछा था 5/6 कैसे हुआ? देखिए अगर आपकी स्पीड 1/6 से कम हुई तो क्या हुआ, स्पीड पहले 6 थी अब 5 हो गई, इसको हम बोल सकते ना कि 5/6 गुना हो गई। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस तरह का शब्द भी क्वेश्चन में आ सकता है कि आपकी स्पीड 5/6 टाइम्स हो गई, 5/6 गुना हो गई, उसका मतलब ये 1/6 से रिड्यूस हो गई। तो स्पीड जब 6 से 5 होती है तो उस समय टाइम 5 से 6 होता है, 3/4 का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपको इसी दूरी के लिए पूछ रहा है बताओ कितना समय अब लगेगा, तो वो समय आपको कितना लगेगा, 12 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, 12 मिनट का मतलब 1/5 घंटे होता है, 1 घंटा पहले लग रहा था। स्पीड रेशियो में 60 मिनट कैसे, स्पीड रेशियो में 60 मिनट मैडम नहीं है, ये स्पीड का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। टाइम के रेशियो में अगर 1 यूनिट यहाँ 12 मिनट आई, 1 यूनिट लेट हुआ, 1 यूनिट ज्यादा टाइम लगा, तो वो 12 मिनट है, तो 5 यूनिट 60 मिनट होगा, और 5 यूनिट अगर 60 मिनट होगा तो मैंने बोला कि ये कब 60 मिनट लग रहे हैं, जब उसकी स्पीड फुल है। इसको कैसे समझे कि 3/4 का कोई यूज नहीं है? देखिए ये तो बहुत कॉमन सेंस है, हर चीज यूजफुल थोड़े ना होती है। जैसे आप लेट अस से अपने घर के बाहर निकलो तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, लेट से तुलसी का पत्ता है वो आप इस्तेमाल करते हो, बट बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिनके बारे में शायद आप जानते भी ना हो, उनका आपके लिए यूज नहीं है, समझ में आएगा नहीं। तो सवाल में जितना डेटा दिया है कोई जरूरी नहीं कि हर डेटा का इस्तेमाल करना है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि भाई मुझे जो पूछा गया, देखो जिसको सवाल समझ में ही नहीं आएगा वो चाहेगा कि सारा डेटा यूज कर ले, लेकिन जिसको सवाल समझ में आएगा वो तो ये कहेगा कि भाई स्पीड यहाँ रिड्यूस हो गई, यही पूछ रहा है कि इसको अब कितना टाइम लगेगा ये बता दो, तो मुझे इसका क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में लगा समय नहीं है मैडम, ये समय सिर्फ इसको कवर करने का समय है। ये जो रेशियो तुमने 6/5 लिखा है वो इस दूरी के लिए लिखा है कि पहले फुल स्पीड थी अब इतनी हो गई, भाई अगर यहां स्पीड रिड्यूस नहीं हुई होती तो ये डिस्टेंस चलने में पहले फुल स्पीड होती, अब स्पीड 5/6 हो गई, समझ में आया कि नहीं। तो इसी दूरी की बात कर रहा हूं ना मैं, ऑलराइट। तीन बटा चार का इस्तेमाल तो हुआ है, तभी तो 3:1 लिखा है मंदीप, वो सिर्फ लिखा है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है ना भैया, कहां मैंने इस्तेमाल किया इसका, यह हटा दो, यहां हटाओ, कंफ्यूज हो दोनों फर्जी में, इसको हटा दो, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका इस्तेमाल कब होगा ये मैं बता देता हूं आपको, इसका इस्तेमाल तब होता है जब मैं आपसे पूछ बैठता कि मुझे बताओ शुरू से यहां तक फुल स्पीड से चलने में कितना वक्त लगता है। अगर ऐसा मैं पूछता तो आपने अभी निकाला है कि ये दूरी चलने में मुझे 60 मिनट लग रहे हैं फुल स्पीड पे, और ये 3 यूनिट है तो यहां 1 यूनिट को चलने में 1 घंटा लगा, दूरी को 4 यूनिट होते तो 4 घंटे लगते। अगर ये भी मैं कंसिडर करूं कि मुझे ये निकालना हो जाए कि शुरू से अंत तक फुल स्पीड से कितना टाइम लगता, फुल स्पीड से तो 4 घंटे लगते, तब इसका इस्तेमाल होता, अभी कोई इस्तेमाल नहीं होता। आगे बढ़ जाओ, शैल आई गो अहेड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक आदमी ट्रेवल करता है ए से बी 48 किलोमीटर के डिस्टेंस जिसकी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और वो बी से सी जाता है 64 किलोमीटर की दूरी जिसकी जिसमें उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको बताना है कि औसत गति उसकी क्या होने वाली है। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, और मैंने पोल भी दे दिया है तो प्लीज सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट करके हिस्सा लें और इस सवाल का उत्तर बताएं। पहले आपको समय दे रहा हूं फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 1 मिनट का समय दिया है, सभी लोग उसे 1 मिनट के भीतर इस सवाल को जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, एवरी वन ऑफ यू, आप में से सभी।
ठीक है। सो काफी लोगों ने सॉल्व किया है, बी ऑप्शन 52-53% लोग बोल रहे हैं सही है, देखते हैं क्या सही है। ठीक है भैया, करें सॉल्व करें। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से सभी लोग, बहुत से फोकस करें सवाल पे। तो सवाल करें 48 किलोमीटर और 64 किलोमीटर, आपको पता है एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस, लिखिए यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां कोई स्टैंडर्ड केस नहीं है, ना ही वो बराबर समय स्लॉट है, ना ही बराबर दूरी का स्लॉट है, अलग अलग दूरी है, अलग अलग स्पीड है। तो टोटल डिस्टेंस तो मैं लिख सकता हूं कि ये है आपका 48 प्लस 64, तो 48 प्लस 64 यहां लिखिए। समय कैसे निकलेगा, 48 किलोमीटर की दूरी 15 की स्पीड से चली गई, दूरी बटे चाल समय देता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम देता है, यहां भी वही कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मुझे इसी चीज को सॉल्व कर लेना, मेरा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैंसिलेशन कर ले पहले ही, ये इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, 16, 16 से काट दो इसको, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 3 48, 16 चौका 64, थोड़ा सा सिंपल हो गया शुरू में ही, ऊपर बन गया 7, नीचे 15 और 25 का अगर आप एलसीएम कैलकुलेट करने जाओगे क्या मिलेगा, 60, बिल्कुल भी नहीं। कितना मिलेगा 15 और 25 का एलसीएम, 25 या 75, तो यहां आपको 75 एलसीएम मिलेगा। ओके, अगर यहां 75 मिलेगा तो ये 5 मिलेगा, और यहां पर 5 3 15 मिलेगा, और 25 3 75 है, 3 चौके 12 मिलेगा, ये अल्टीमेट वैल्यू हुई। तो मैं लिखूंगा इसको 7 × 27, 7 × 75/27, 3 9 27 हो गया, 3 × 25 हो गया, 25 7 कितना होता है आपका 175/9, ये ऑप्शन आया। ये बी कहां से निकाला था तुम लोगों ने भाई, 52% लोगों ने बी ऑप्शन दिया था इसका उत्तर, जबकि उत्तर है ए, समझे कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, कितने लोगों को ये बात समझ में आई मेरी, बी कहां से निकाल लिए थे तुम लोग, गलत उत्तर निकालने में बड़े उस्ताद हो तुम लोग, हमको सच में लगा बी सही होगा, इतने लोगों ने दिया है। और इससे प्रूफ होता है कि कभी भी अगर ज्यादा लोग भी कोई बात बोल रहे हैं तो इसका जरूरी नहीं मतलब कि वो सही हो, ठीक है, मेजोरिटी कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, इसलिए किसी की बात को मानना मत। एग्जाम के पहले नहीं निकलते हैं, लोग निकल के आते हैं उस सवाल का उत्तर ना वो था 185/9 था, 4 लोग और बोल रहे हैं 185/9 था, वहां 175/9 को हार्ट अटैक आया जा रहा है बेचारे को, 185/9 वाले मिल गए, 52% लोग सब बोल रहे हैं, वो बेचारा चुपचाप खड़ा है कोने में, कहीं हम गलत तो नहीं हो गए। मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार, मैं आईटी का एग्जाम देने गया प्री का, निकला देखिए बाहर, वहां बाहर मार शोर शराबा मचा हुआ था, पेपर बड़ा कठिन था, ये वो फलाना ढिमकाना, सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और जो उत्तर डिस्कस कर रहे हैं मेरा उससे मैच नहीं कर रहा, मैं चुप, क्योंकि मैंने उस समय 28 क्वेश्चन थे प्री में, 26 अटेम्प्ट किए थे, एक तो अटेम्प्ट ज्यादा था, ऊपर से लोग बोल रहे थे कि इसका ये उसका मेरा मैच नहीं कर रहा था, मैं चुपचाप घर चला आया, मुझे लगा मुझे उससे लग रहा है ज्यादा गलती हो गई है, सारे सही थे 2600, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, लोगों की बात मत मानो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एक आदमी ट्रेवल करता है ए से बी, उसकी स्पीड है 52 किलोमीटर। अच्छा एक चीज और बस मजे के लिए तरीका लगाना, यहां टाइम रेशियो निकाल सकते हो क्या, ओके टाइम रेशियो बताओ क्या है, T1 रेशियो T2, एक टाइम बनेगा 48/15 और एक टाइम बनेगा 64/25, बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा, 5 3 15 55 25, 16 3 48, 16 चौके 64, 3 से 3 कट जाएगा, अल्टीमेटली टाइम रेशियो बनेगा 5:4, बना। अब आप मुझे बताओ कि एक स्पीड 15 की है और एक स्पीड 25 की है, ये स्पीड है, टाइम रेशियो 5:4 है, आप बताओ इसमें लगा दें वेटेड एवरेज, एवरेज लगा दें डिवीशन, आप अपने औसत को 15 मान लो, अगर मैं औसत को 15 मान लूं तो ये वैल्यू हमारी हो गई 10, भाई इसका क्या होगा, पॉजिटिव डिवीशन 10 और 10 चौके 40 हो गया, 40/9 हो गया, 15 9 135 और 135 और 40 कितना हो गया, 175/9, लो आया आंसर कि नहीं, इस प्रोसेस में गलती के चांसेस कम है, यहां गलती के चांसेस ज्यादा है, कैलकुलेशन आप कर रहे हो यहां मिस्टेक कर जाओगे, यहां नहीं होगा। मैंने क्या बोला था कि अगर दो क्वांटिटी हो या तीन क्वांटिटी हो, व्हाटएवर, फॉर्मूला बिल्कुल वेटेड एवरेज की तरह है, जो टाइम रेशियो है वेट रेशियो की तरह काम करता है, अगर टाइम रेशियो वेट रेशियो की तरह काम करता है तो आप यहां से टाइम रेशियो निकालिए, और टाइम रेशियो क्या होता है, टाइम हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो मैंने यहाँ 48/15 लिखा, यहाँ 64/25 लिखा, इसका रेशियो निकाला 5:4 आ गया, टाइम रेशियो वेट रेशियो की तरह काम करता है, ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई 15 और 25, फिर 15 को मैंने अपनी एवरेज स्पीड मान ली, एज्यूम्ड एवरेज 15 मान लिया, इसका डिविशन प्लस 10 हुआ, 10 × 4 = 40 हुआ, 9 लोगों में बांट दिया, मेरा एवरेज स्पीड 175/9 आ गया, क्लियर है कि नहीं, यस होप
इट्स क्लियर टू एवरीवन? नोबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? से यस, क्या समझ में आ रहा है? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक आदमी ए से बी 52 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है 78 मिनट में, और वो ट्रेवल करता है बी से सी ट्रेवल करता है 62 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 117 मिनट में। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है पूरी जर्नी की, जरा कैलकुलेट करिए। हाँ जी, जरा इसको कैलकुलेट करिए जल्दी से, कैलकुलेट करिए प्लीज एवरीवन। सॉल्व करिए प्लीज। ऑलराइट, देखिएगा ध्यान से। ए से भी एक आदमी ट्रेवल करता है 52 किलोमीटर पर आर 78 मिनट। आप देखा यहां क्या फायदा है जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है? जो टाइम है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब टाइम अगर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप कहोगे मैं टाइम रेशियो लिख लेता हूं सीधे, और टाइम रेशियो हमारा कितना है 78:117 मिनट्स लिखा मैंने, 13:78, 13:9:117 सीधे 6:9 आ गया। अब आप सीधे जाओ कहो यहाँ स्पीड 52 km/h है, S1 स्पीड, S2 स्पीड मेरी क्या है 62 की है, ये रेशियो मेरा 6:9 का है। हाँ जी, आप इसको अपना एज्यूम्ड एवरेज औसत स्पीड मान लीजिए 52, इसका डिविएशन 0 हो गया, 6:0 होता है, इसका डिविएशन प्लस 10 बनेगा, 9 लोग हैं तो नेट डिविएशन बनेगा 90, और 90/9=15। आप 2:3 भी मैंने 6:9 जो लिखा है ये भी कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है, इसको 39 से काट दो तो 2:3 बनेगा, एक्चुअली 2:3 लिखो, 6:9 भी क्यों लिखना है? तो आप हो गए 2:00 हो गया, 3:10 30 हो गया, तो इसको हम करेंगे 30, यहाँ पर आप लिखिए 30, और यहाँ 5 आ गया, 5×6=30 हो गया, 52×6=58 हुआ आपकी वैल्यू। आप ये बताओ कि इस प्रोसेस से जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर प्रोसेस कि औसत से इसको लिंक करके एवरेज निकालना, क्या सरल जा रहा है इस सवाल में कि नहीं? यस, ईजी है कि नहीं है? यस, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, वरना आपको यहाँ टोटल डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी, वरना आपको इस सवाल को कैसे करना होगा मैं बताता हूँ। वरना आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी, डिस्टेंस का टोटल अपॉन टाइम का टोटल, ये लिखना पड़ेगा। अब डिस्टेंस कैसे आएगी, स्पीड इंटू टाइम से, तो आप कहोगे 52×78/60 लिखूंगा मैं। आप 78/60 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कंसिडरिंग कि समय ऊपर नीचे आएगा तो कट जाएगा, तो 52×78 हुआ, प्लस यहां पर आपका हुआ 62×117 हुआ। मैं जान बूझ के टाइम को मिनट में लिख रहा हूं, घबराना नहीं। आपको कहे सर ये तो गलत है, ये किलोमीटर पर आ रहे तो मिनट में, कोई बात नहीं, क्योंकि नीचे भी जब टाइम आएगा मिनट में तो टाइम कट जाना है, तो वो मिनट 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो अगर आप पहले ही थोड़ा दिमाग लगा लो तो आप कहोगे 13 से यहीं 39 से काट सकते हैं, 39×78 39×3=117 39×78 तो वैल्यू आपकी होगी 52×110 62×3=186 डिवाइडेड बाई 3×2=5, तो ये वैल्यू हो गई 296/5। ओके, कुछ गड़बड़ दिखा क्या? एक मिनट, 3×2=6, 3×6=18, ठीक है, ये 2×2=4 होगा, 52×2=104 होगा यहाँ पर, ऑलराइट 104। तो ये वैल्यू जो आपकी बनी बेसिकली 290 बनी, 290 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 58। ओके, हाँ जी, 58 इज द आंसर। 15 साल देखिए,
एक टैक्सी जाती है दिल्ली से लखनऊ, एवरेज स्पीड उसकी 90 किलोमीटर पर आ रहे हैं। वापस की जर्नी में, रिटर्न जर्नी में ट्रैफिक की वजह से एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आर से फॉल कर जाती है। आपको बताना है कि जो एवरेज स्पीड है टैक्सी की पूरी जर्नी में वो कितनी होगी, हाउ मच इट विल बी। दिल्ली से लखनऊ 90 की स्पीड है, वापस की जर्नी में ड्यू टू ट्रैफिक द एवरेज स्पीड फॉल्स बाई 20 किलोमीटर पर आवर। तो भैया 90 की स्पीड यहाँ है, 20 से कम होगी तो 70 हो जाएगी। स्पीड रेशियो 9:7 बना, टाइम रेशियो क्या होगा, 7:9 होगा। और टाइम रेशियो अगर 7:9 हुआ, पूछ क्या रहा है वैसे, ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो अगर आपने टाइम रेशियो लिख लिया है तो आप वो लगा सकते हो, मतलब डेविएशन वाला तरीका, कि आप अपनी औसत को 70 मान लो, और अगर आप अपने औसत को 70 मानोगे तो इसका डेविएशन 0 हो जाएगा, यहाँ 20 बनेगा, 20 सत्ते क्या होगा, 124। ओके, 20 सत्ते हो गया आपका 140, और 140 बटे ये वैल्यू हो गई आपकी 16। हाँ जी, इसको डिवाइड करते हैं, किससे काटना चाहते हो आप, 8 से, 8 से नहीं, 4 से काटिए, 4 से काटेगा, 4 से ये बनेगा 35/4, 4 8.75 है ये, 4 8 32.75, 78.75 मेरा आंसर हो गया, आंसर हो गया सी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, आप इस केस में मैंने आपको बता रखा था कि आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2S1S2 / S1+S2। तो ये वैल्यू हो गई 2 × 90 × 70/160, यहां से भी सॉल्व करोगे यही मिलेगा, याद है, ये भी बताया मैंने आपको कि जब भी कभी जितनी दूरी आप गए हो दो इक्वल डिस्टेंस के स्लॉट होते हैं, तो ये फॉर्मूला मैंने कल ही आपको बताया था, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। और ये एक तरीका आपको बताया कि टाइम रेशियो निकाल के आप इसको सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू तुरंत सॉल्व होकर आ जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप डिस्टेंस यहाँ मान भी सकते हो, 90 और 70 का एलसीएम आप डिस्टेंस मान के भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप बोलो कि हम निकालेंगे डिस्टेंस जो होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 90 एंड 70, 90 और 70 का एलसीएम क्या है, 630। तो आप डिस्टेंस को 630 मान लो, जाने का भी और आने का भी, तो 630 गया और 630 आया, तो ये 90 की स्पीड से गया तो यहाँ 7 घंटे लगेंगे, और ये 70 की स्पीड से वापस आया, यहाँ 9 घंटे लगेंगे। तो टोटल डिस्टेंस है 1260 आने जाने में, और टाइम कितना लगा, 16 घंटे लगा कि नहीं लगा, इसको सॉल्व कर लो आप। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तुम कहेंगे 16 सत्ते 112 हो गया, 140/16 बच जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप, 78 पॉइंट आपका वही आ जाएगा, 75 जो वैल्यू है सेम आ जाएगी। क्लियर है? यस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए पर्सन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर बिटवीन टू सिटीज बाई कार, ही कवर्ड फर्स्ट 25 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट एक्स किलोमीटर पर आर, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। देखिए, जिनको भी क्लास में कुछ इश्यू आ रहा है तकनीकी, वो क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है? ओके, 34 2/7 किलोमीटर पर आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ जी, हाँ नहीं, मैंने कमेंट्स देख लिए हैं, बट पढ़ाने दो ना, अभी नहीं पढ़ाएंगे तो रिकॉर्डिंग कैसे अच्छी क्रिएट होगी, पढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है, बाकी चिंता मत करो, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे हम। ओके, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। चलो इधर देखो, 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर दो सिटी के बीच की दूरी है, पहले 25 किलोमीटर 60 की स्पीड से चल रहा है, बाकी की जो दूरी है वो x किलोमीटर पर आर से चल रहा है, जो दिया नहीं हुआ है, और एवरेज स्पीड मुझे दी हुई है। तो ये बड़ा मजेदार सवाल है, ठीक है, बहुत मजेदार सवाल है। एवरेज स्पीड मुझे दी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, प्लीज कोई सॉल्व करो इसको, बोल दे रहा हूं मैं, ट्राई करो जरा इस सवाल को। हाँ जी, पहली 100 किलोमीटर की दूरी कार से कवर हुई है, पहले 25 किलोमीटर 60 की स्पीड से हुए हैं, और बाकी की जो डिस्टेंस है वो एक्स की स्पीड से हुई है, एवरेज स्पीड मुझे दी गई है, मुझे एक्स का मान कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो देखो, डिस्टेंस एक अगर 25 होगी तो बाकी की डिस्टेंस क्या होगी, 75 होगी, दो तरह की दूरियां हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, ये एवरेज स्पीड होता है। तो आप कहोगे कुल दूरी हमारी 100 है, और जो कुल समय है वो हम कैसे लिख सकते हैं, 25 किलोमीटर की दूरी 60 से चले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड समय हुआ, फिर 75 की दूरी x की स्पीड से चले डिस्टेंस अपॉन स्पीड समय हुआ, और ये वैल्यू 34 2/7 के बराबर है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये बनेगा 210 और 28 238 240/7 बनेगा ये, ठीक है, वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मुझे यहाँ सिर्फ x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और मेरा आंसर आ जाएगा, तो थोड़ा इसको उल्टा कर लें, ठीक है, उल्टा नहीं करना तो कोई बात नहीं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 25 5 × 12 60 लिख दिया मैंने,
तो यहां पर वैल्यू क्या हो गई, 100 ऊपर हो गया और यहां पर आपका आ गया 12, यानी 12x, 12x नीचे हो गया हमारा 5x प्लस 75 इंटू 12, 75 इंटू 12 900 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 240 बटे 7। आप यहां लिखिए, 12 से काटोगे आप 20 बनेगा, 20 से काटोगे 5 बनेगा, ठीक है, 5 से काटोगे 5 कट जाएगा, 180 बनेगा। तो कुल मिला के काफी सिंप्लीफिकेशन हुआ, 7x की वैल्यू हमारी x प्लस 180 के बराबर आ गई, यहां से 6x 180 आ गया, x की वैल्यू 30 आ गया, डी ऑप्शन। बट यहां सवाल में कैलकुलेशन आपको दिख रही होगी कि देयर इज लॉट 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 ऑफ कैलकुलेशन, अगर हम इस तरह से सवाल को लिख के कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, इस सवाल का कोई अल्टरनेटिव तरीका आपको सोचना है कि क्या कोई अल्टरनेटिव तरीका और हो सकता है समय बचाने का। हाँ जी, यस, क्योंकि देखो तुम्हें एक स्पीड पता है, तुम्हें ओवरऑल एवरेज स्पीड पता है, क्या हम यहाँ वेटेड एवरेज या फिर एलिगेशन से करें तो ये सवाल और सरलता से हो सकता है या नहीं। यस, तो मैं आता हूँ उस पार्ट पे कि अगर इस सवाल को हम वेटेड एवरेज या एलिगेशन से करते तो कैसे करते। सवाल यहाँ लिखता हूँ, 100 की दूरी है, 34 दो बटे 7 का एवरेज स्पीड है, इसको मैंने अभी लिखा था 240 बटे 7, ठीक है, ये एवरेज स्पीड लिखी थी। 100 में से आपको दिया है कि 25 की दूरी आप चल रहे हैं 60 की स्पीड से और बाकी 75 की दूरी आप चल रहे हैं x की स्पीड से, ये दिया हुआ है आपको, यस और नो। तो आपको बस करना क्या है, ये समय आप निकाल सकते हो ना, ये समय भी निकाल सकते हो और कुल समय भी निकाल सकते हो। 100 किलोमीटर की दूरी अगर आप इस स्पीड से चल रहे हैं तो क्या टोटल समय निकाल सकते हो कि नहीं, इसी को डिवाइड करोगे समय निकल जाएगा। मिनट में अगर कन्वर्ट करना है 60 से गुणा कर दो, मिनट में कन्वर्ट हो गया, 6 चौके 24 बन गया, 4 से यहां 25 बन गया, 25 सत्ते 7 ऊपर जाएगा, 175 मिनट हमारा टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम है। यहां देखिए 25 किलोमीटर 60 की स्पीड से मिनट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, यहां 25 मिनट लगेगा। तो यहां अगर मुझे 25 मिनट लग रहा है तो आपको पता चला ना कि ये जो दूरी है, जो 75 की दूरी है, ये चलने में तुम्हें कितना मिनट लगेगा, तुम्हें लगेगा 150 मिनट। हो गया सवाल, 75 के डिस्टेंस को चलने में अगर मुझे 150 मिनट लग रहा है जिसको मैं आर्ट्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना 75 इंटू 2, ये वैल्यू 30 आ गई। तो एलिगेशन भी यहां नहीं लगाना है, यहां वेटेड एवरेज भी नहीं लगाना है, आपको अगर एवरेज स्पीड दी है ओवरऑल और टोटल डिस्टेंस दिया है तो मैं टोटल टाइम निकाल सकता हूं, फिर मुझे एक डिस्टेंस और एक टाइम दिया है उससे मैं वो टाइम निकाल सकता हूं 25 मिनट, फिर जो बचा हुआ समय है वो किसने लिया, इन्होंने ही लिया ना, और बचा हुआ समय अगर इन्होंने लिया तो हम यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनका मुझे डिस्टेंस पता था, मुझे बस टाइम नहीं मालूम था, टाइम मिल गया 150 तो x की वैल्यू आ गई ना। हाँ जी, ऑलराइट, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और ये डिस्कशन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप पहले इतना रिवाइज जरूर कर लेना ताकि आपका जो बेसिक फंडा है वो क्लियर हो जाए, सो दैट हम आगे बढ़े। जिन लोगों को भी तकनीकी समस्या आई होगी वो इसके रिकॉर्डिंग से रिवाइज कर लें, इसलिए मैं इतने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आज, ठीक है, और कल की क्लास में फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आज फोन पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसी से, कल कर लेंगे, मैंने बोला था ना बात करेंगे कुछ लोगों से, कल करेंगे कुछ लोगों से बातचीत, ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।